नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव में बिहार की काराकाट सीट से हार का सामना करने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सभी सहयोगी दलों को सचेत किया है, सलाह दी है। आपको बता दें कि एनडीए के साथ साथ जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दलों को सावधान करते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो विरोधी है वो आग में घी डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप लोग सचेत रहे। आपको बता दें कि कुशवाहा ने कहा कि विरोधी आग में घी डालने के लिए बैठा है, चुनाव परिणाम की समीक्षा जरूरी है लेकिन उसकी बातें सार्वजनिक मंचों पर ना आए तो बेहतर है क्योंकि इससे आपस में कटुता बन या बढ़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि एनडीए की सभी पार्टियों से ऐसी बातें सार्वजनिक मंचों पर न लाने की अपील की है। कुशवाहा ने कहा कि ऐसी खबरें एनडीए के दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा जरूरी है मगर यह एनडीए का आंतरिक मामला है, इसका मकसद हमारी कमियां ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है, इसलिए हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को 5 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। इनमें अधिकतर सीटें मगध और शाहबाद क्षेत्र की है, इसमें काराकाट सीट भी शामिल है जहां से उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। काराकाट में बीजेपी के बागी पवन सिंह के आने से ही मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था और कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ सीपीआई माले के राजा राम सिंह कुशवाहा जीते। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि काराकाट में पवन सिंह के आने से जनता के बीच गलत धारणा बनी है, इससे कुशवाहा समाज एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ हो गया और महागठबंधन को इसका फायदा मिला। इस वजह से काराकाट ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य सीटों पर भी एनडीए को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी सहयोगियों को सचेत किया है। सभी सहयोगियों को, जेडीयू एनडीए के सभी सहयोगियों को, बीजेपी को, सभी को सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं और कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, जो विरोधी है वो आग में घी डालने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ ट्वीट करते हुए नजर आ उपेंद्र कुशवाहा, इसकी सारी जानकारी हमने आपको दी इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।